वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आलस अग्रवाल की बुक से, गाइस न्यू एडिशन से, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 बी का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, राइट। सो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किए तो प्लेलिस्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 इस वीडियो के एंड में। एंड एक स्पेशल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स से कमेंट आए थे पीडीएफ फाइल के लिए, वो सभी प्रिंसे एजुकेशन ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, और डायरेक्टली साइन इन विद गूगल करके वहाँ से सारे सॉल्यूशन देखते हैं सभी सब्जेक्ट के, 6 to 12 सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। एनसीईआरटी की पीडीएफ के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और आलस अग्रवाल की भी गाइस आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर वाइज देख सकते हैं। सो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए ऐप एंड सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। सो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये आपको इक्वेशन दी है। सो गाइज, अगेन आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से इस इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। देन डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करनी है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स एल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट अगर डी जीरो के इक्वल आ जाता है तो क्या होगा गाइज, यहाँ पे जैसे ही आप जीरो दोनों में पुट करेंगे डी की जगह पर, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए आ जाता है, बिकॉज डी इक्वल्स टू जीरो के लिए रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड डी ग्रेटर देन जीरो के लिए रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ये बात सभी को मालूम है ना आप लोगों को। एंड अगर डी लेस देन जीरो दैट मीन्स इमेजनरी हो जाते हैं रूट्स, नेगेटिव वैल्यूज हो जाती है, तो रूट्स कैसे होते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अल्फा एंड बीटा वे एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ए इक्वल्स टू थ्री, बी इक्वल्स टू माइनस टू रूट सिक्स, एंड सी इक्वल्स टू आपका यहाँ से क्या आ गया, टू आ गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना आप, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू माइनस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है। टू टू फोर, नाउ रूट सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, फोर सिक्स 24, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 24, 4 इज अ 12 माइनस इंटू टू, यानी कि 24। तो आप देखते हैं यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई गाइज, जीरो आ गई, क्या आ गई, जीरो आ गई। इट मीन्स रूट्स कैसे हैं, अल्फा और बीटा वो इक्वल हैं आपस में। अगर आप इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तब भी आपकी यही फॉर्मूला आता है, बिकॉज डी की जगह पर आप जीरो रखेंगे तो आप देख लीजिए माइनस बी अपॉन टू ए आता है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको ये फॉर्मूला लाइन है तो डायरेक्टली आप इससे लिख लीजिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए, राइट। बी माइनस बी की वैल्यू माइनस टू रूट सिक्स अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू सिक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू रूट सिक्स अपॉन टू इंटू थ्री, टू से टू कैंसिल, इट मीन्स रूट सिक्स अपॉन थ्री। तो इस रूट सिक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, थ्री को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं। इतना कंसेप्ट गाइज आपको क्लियर हो गया ना कि हम इसे कैसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, रूट टू अपॉन रूट थ्री, या फिर कह सकते हैं रूट स्क्वायर रूट टू अपॉन थ्री। तो ये क्या हो गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको आई होप अच्छे समझ आ गया होगा विद फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया है, स्टेटमेंट वाइज भी देखना चाहते हैं तो चलिए स्टेटमेंट वाइज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ सॉल्यूशन बाय द स्टेटमेंट, राइट। कैसे हम विद स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को करेंगे, गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग इट, सो डी इक्वल्स टू दिस, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अल्फा बीटा की आपने उस फॉर्मूले से यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, आप जो मैंने अभी आपको बताया उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जैसे डी जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए ही आता है। सो गाइज दीज आर द सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कैसे सॉल्व होगा, ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। अगेन इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू
जीरो, राइट। सो ए इक्वल्स टू क्या आ गया, टू रूट थ्री आ गया, बी इक्वल्स टू माइनस फाइव, सी इक्वल्स टू रूट थ्री। बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से बी की वैल्यू माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, राइट। फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव माइनस फोर टू ज़ा एट, एंड रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। फोर टू ज़ा एट, थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वन आ गई। एंड वन इज ग्रेटर देन जीरो, सो डी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। सो गाइज, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अब नाउ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू माइनस फाइव प्लस रूट डी की वैल्यू, डी की वैल्यू वन, टू इंटू टू रूट थ्री, एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस फाइव माइनस स्क्वायर रूट वन अपॉन टू इंटू टू रूट थ्री। अल्फा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस स्क्वायर रूट वन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वन ही होता है, अपॉन टू टू ज़ा फोर रूट थ्री, राइट। एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस फाइव माइनस वन अपॉन फोर रूट थ्री, इट मीन्स ये अल्फा और बीटा आ गया। अब गाइज हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इक्वल्स टू सिक्स अपॉन फोर रूट थ्री, एंड बीटा इक्वल्स टू फोर अपॉन फोर रूट थ्री। नाउ हम देखेंगे, फोर से फोर कैंसिल, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, दैट मीन्स थ्री अपॉन टू रूट थ्री। नाउ रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, सो अल्फा इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन टू, एंड यहाँ से बीटा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दीज आर द रूट्स वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज, ये था आपका सॉल्यूशन। नाउ आपने सॉल्यूशन देखा कि हमने कैसे किया, अब हम स्टेटमेंट वाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद स्टेटमेंट देख लीजिए पूरा अच्छे से कंसेप्ट कि हमें कैसे लिखना है। सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट में आपको लिखना है, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, फुल मार्क्स अचीव करने हैं। तो सो अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो मे बी कि आपका एग्जाम में विदाउट स्टेटमेंट के वन मार्क्स कट कर लिया जाए। सो हमें मार्क्स कट नहीं कराना, सिंपली अपना पूरा फॉर्मेट में आप ही से प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और इस तरीके से ही एग्जाम में लिख के आना, देन फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सो अगर आपको समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। सभी चैप्टर्स के आज अगर वाले के एमसीक्यू सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है चैनल पर, वो देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। न्यू एडिशन के सभी सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। एंड एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल आपको प्रिंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की, वो भी सभी क्लासेस के लिए। सो सभी अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड सभी को शेयर कर दीजिए, एंड जल्दी से प्रिंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करिए, एंड देन वहां से अपने सॉल्यूशंस को देख लीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।